कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैश विद अवेज, जहां मैं आपको सिखाता हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस की स्ट्रेटजीज जो आपको इजीली 3 स्टार्स दिला सके इजीली बिल्डर बेस और टाउन हॉल दोनों में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बिल्डर बेस की एक एयर स्ट्रेटजी जो आपको कई 80% से ज़्यादा डैमेज दिला सकती है और इजीली आप वर्सेस बैटल जीत सकते हैं। वो एक एक्साइटिंग स्ट्रेटजी थी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ब्रांड न्यू इनोवेटेड स्ट्रेटजी जो मैंने खुद बनाई है सुपर विजार्ड से। सुपर विजार्ड्स आजकल बहुत चल रहे हैं, तो मैंने अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी डेवलप की है। मैं टाउन हॉल 12 पे जाने वाला हूँ, सिर्फ 2 घंटे बचे थे, तो मैंने सोचा आपके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाते जाओ। तो ये स्ट्रेटजी मैंने बहुत कम टाइम में बनाई है और सक्सेस भी हुई है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये स्ट्रेटजी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा तो आपको इजीली ये स्ट्रेटजी 3 स्टार दिला जाएगी और सुपर विजार्ड यूज़ करने में भी बहुत मज़ा आएगा आपको। तो आप अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। चलिए फिर बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। ये सुपर विजार्ड देख सकते हैं आप, चेन मैजिक करेगा, यूज करने में आपको बहुत मजा आने वाला है। देख सकते हैं आप चेन मैजिक की ताकत, 4-5 बिल्डिंग को एक साथ टारगेट करेंगे सुपर विजार्ड बनाने, मजा आएगा इसे यूज करने में। चलिए आज की स्ट्रेटजी का देख सकते हैं आप। मैं मास पैकाज यूज करूंगा और सुपर विजार्ड देख सकते हैं आप सीसी में ही लेना पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कुक नहीं कर सकते क्योंकि हम उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो जो भी सुपर विजार्ड मिलेंगे क्लैन कासल ट्रूप से ही मिलेंगे। देख सकते हैं 3 सुपर विजार्ड लिए मैंने और आर्मी देखिए आप, 6 पैकाज, 6 बॉलर्स, 6 विजार्ड, 4 विचेस और 2 आर्चर्स। और स्पेल्स आप देख सकते हैं, हील लिया है मैंने, रेज, जंप और 3 इनविजिबल स्पेल। और सीसी में भी सुपर विजार्ड, इनविजिबल स्पेल और लॉग लॉन्चर है हमारा। हीरोज मेरे सब है, आर्चर क्वीन, बारबेरियन और वो ग्रैंड वार्डन। चलिए बढ़ते हैं आज के अटैक की तरफ। ये आप देख सकते हैं टाउन हॉल 12 बेस है, फुल ऑन मैक्स दिख रहा है। इन्फर्नो जिसके मैक्स है, ईगल आर्टिलरी मैक्स है, तो हम इस पे अटैक करने का ट्राई करेंगे और हमारी आर्मी हमें जीत दिलाएगी। चलिए फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहले मैं इधर बारबेरियन किंग डालूँगा और विचिस और एक साइड पे पैका, फनल क्रिएट करेंगे हम। फनल जैसे कि आपको पता है वे क्लियर करके रास्ता बनाना जिससे हमारे सारे ट्रूप्स अंदर जाए। ये देखिए फनल हो चुका है क्रिएट, लॉग लॉन्चर डाल दिया, वार्डन, फिर सारे ट्रूप्स डाल देने, पैका, बॉलर्स, आर्चर क्वीन सब सीधे अंदर जा रहे हैं। ये देखिए आप वार्डन एबिलिटी यूज करके हमें ट्रूप्स को प्रोटेक्ट करना है पहले। और ये गीगा टेस्ला हो चुका है एक्टिवेट और ये हम इनविजिबल डाल देंगे। देखिए इनविजिबल सब मैक्सिमम ट्रूप्स पे यूज हो रहा है, हमारे बॉलर्स इनविजिबल है, पैकर्स थोड़े इनविजिबल है और ये सीसी में से हमारा सुपर विजार्ड निकले तो हमने डाल दिया इनविजिबल। ये देखिए सुपर विजार्ड का इम्पैक्ट देखिए आप, वो ये टाउन हॉल डिस्ट्रॉय हो चुका है, गीगा टेस्ला बॉम्ब फूटा था, एक इन्फर्नो बचा है। ओह गाइस ये फुल ऑन मैक्स बेस है, हम इस पे अटैक कर रहे हैं, एक इन्फर्नो बच गया है लेकिन फिर भी हम अटैक जीत जाएंगे क्योंकि हमारे पैकाज है, आर्चर क्वीन फुल हेल्थ पे है और वार्डन भी हमारा सेफ है पूरा। स्ट्रेटजी का मेन पॉइंट ये है कि पैकाज जो हमारे वो हिट पॉइंट्स ज़्यादा है उनके, वो उनके पीछे हमारे सुपर विजार्ड सेफ रखने। मोस्टली लोग क्या करते हैं, बीबी बैटल ब्लिंप में यूज़ करते हैं सुपर विजार्ड्स का और वो स्टार्टिंग में ही मर जाते हैं। मैंने सोचा उन्हें जिंदा रखना है लास्ट तक तो फिर वो कितना फ़ायदा दे जाएंगे, देख सकते हैं आप वो फ़ायदा हमें मिल रहा है। ये मैक्स बेस था इसके लिए हमारे सुपर विजार्ड्स नहीं बच पाए, लेकिन हम TH-11 पे जब अटैक करेंगे तो हमारे सुपर विजार्ड लास्ट तक जिंदा रहेंगे तो वो हमें बहुत सारा फायदा देंगे। तो लॉग लॉन्चर में मैंने यूज किया था सुपर विजार्ड्स को,
वे क्लियर किया और सुपर विजर्ड्स अंदर गए। ये देखिए अब हमारे पैकास दो बचे हैं और आर्चर क्वीन है, उसकी एबिलिटी भी बची है और ये बेस डेड हो चुका है। फिर भी हम अगर बेस लाइव भी होता तो भी हम जीत जाते क्योंकि आर्चर क्वीन की एबिलिटी भी बची है। तो ये हमने यूज़ कर ली एबिलिटी और ये हमारा अटैक हो चुका है 3 स्टार। यो सुपर विजर्ड्स रॉक, लेट्स सी अनदर अटैक। लाइव अटैक करेंगे हम, देख सकते हैं आप आर्मी। चलिए करते हैं लाइव अटैक। यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंज किया है, जो हमारी पैका बोबेट की स्ट्रेटजी है वो यूज़ की है। मैं आपको 2-3 आर्मी बताऊंगा, आपको जो अच्छी लगे वो यूज़ करें। यहाँ पे पैका बोबेट की आर्मी है सिर्फ, ये स्पेल्स मैंने चेंज किए, हीलर, रेज, जंप और इनविजिबल स्पेल। तो जैसे हम पैका बोबेट में किया था, अगर आपने पैका बोबेट वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ जाके देख लीजिएगा। इलेक्ट्रो ड्रैगन से हमें एक साइड फनल करना है, दूसरे साइड बारबेरियन किंग, फिर क्वीन वॉक करेंगे हम। इलेक्ट्रो अपना काम करेगा, वे क्लियर करेगा, एक TH 11 मैक्स बेस है जो अभी 12 पे आया है। इलेक्ट्रो अपना काम करते हुए वे क्लियर कर रहा है, फनल बनाएगा हमारे ट्रूप्स के लिए जो अंदर जा सके। और ये देखिए आप इलेक्ट्रो के ब्लास्ट, हमारा सुपर विजर्ड भी इलेक्ट्रो के जैसा ही है, बस वो ग्राउंड है। क्वीन वॉक चालू कर दिया, दूसरी साइड से बारबेरियन किंग फनल करेगा, फिर हम डाल देंगे हमारा लॉग लॉन्चर। लॉग लॉन्चर के साथ हमने पैका भी डाल दिया ताकि वो थोड़ा डैमेज दे सके और फनल क्रिएट कर सके। और ये इन्फर्नो हमारे आर्चर किंग के पीछे, उसकी एबिलिटी एक्टिव हो चुकी है। बाकी सब हम सब ट्रूप्स डाल देंगे एक साथ, पैकास, बॉलर्स, वार्डन यूज़ करके स्टार्टिंग में ही सब ट्रूप्स को प्रोटेक्ट कर लिया है। लॉग लॉन्चर हमारा डिस्ट्रॉय हो चुका है, सुपर विजर्ड्स निकल चुके हैं और ये डाल दिया हमने इनविजिबल। मैक्सिमम ट्रूप्स हो चुके हैं गायब और ये इलेक्ट्रो CC में से निकला है। जंप यूज़ करके हमने ट्रूप्स को आगे जाने का मौका दिया, इसीलिए जंप भी एक रखना है क्योंकि ट्रूप्स हमारे एक ही जगह पर अटक जाएंगे तो अटैक फेल हो जाएगा। ये देखिए आप सुपर विजर्ड्स देख सकते हैं आप, चेन मैजिक दिख रहा होगा बहुत सारा, हमारे सारे सुपर विजर्ड सेफ है। यो तीनों सुपर विजर्ड सेफ है, यहाँ पे पैकास, बॉलर्स, वार्डन अटैक कर रहे हैं, दूसरी साइड पे आर्चर क्वीन हीलर के साथ है तो हीलर हमारे सुपर विजर्ड्स को हील भी देते रहेंगे। तो हमारे सुपर विजर्ड्स लास्ट तक बचने वाले हैं, सोच सकते हैं आप क्या क्या डैमेज देंगे वो। और हमारा अटैक वो कर जाएंगे 3 स्टार। पैकास मास बचे हमारे, ओ 4-5 पैकास दिख रहे हैं यहाँ पे, बॉलर्स भी है, आर्चर क्वीन फुल हेल्थ पे है बिकॉज ऑफ हीलर्स, सुपर विजर्ड्स भी देखिए हमारे तीनों के तीनों। ये स्ट्रेटजी आपको बहुत काम आने वाली है, वॉर में भी आपको इजीली 3 स्टार दिला जाएगी। ध्यान रखिएगा जंप स्पेल सही जगह पे यूज करिएगा क्योंकि ट्रूप्स आगे जाना चाहिए। चलिए देखते हैं और एक लाइव अटैक, ये देख सकते हैं आप TH-13 बेस है, तो हम करेंगे अटैक सेम स्ट्रेटजी, इलेक्ट्रो से फनल करेंगे एक साइड, दूसरी साइड बारबेरियन किंग, फिर क्वीन वॉक करेंगे, लॉग लॉन्चर एंड देन हमारे सुपर विजर्ड्स हमारा जलवा दिखाएंगे। यो इलेक्ट्रो का काम हो गया, हमने बारबेरियन किंग डाल दिया है, अब लॉग लॉन्चर अपना काम करेगा, वॉल्स तोड़ेगा। देखिए लॉग लॉन्चर 3-4 वॉल्स टूट चुकी है। क्वीन वॉक साइड में बेस क्लियर करने के लिए किया है हमने, फिर ये पाथ क्लियर हो चुका है तो सारे पैकास, बॉलर्स, वार्डन डाल देंगे, सब सीधे अंदर जाएंगे। और ये इनविजिबल यूज़ कर लिया है क्योंकि सुपर विजर्ड आ चुके हैं। ये देखिए चेन मैजिक अपना जलवा दिखाएगा, यहाँ पे इनविजिबल डालते रहिएगा, सुपर विजर्ड दिख गए तो वो मर जाएंगे और इनविजिबल ख़त्म हो जाए तो आगे पैका है तो वो पैका सुपर विजर्ड्स को बचा लेगा। ये फिर वार्डन एबिलिटी यूज़ कर लिया, सुपर विजर्ड से गीगा टेस्ला हुआ था डिस्ट्रॉय, फिर भी सुपर विजर्ड बच गए क्योंकि वार्डन एबिलिटी यूज थी। ये देखिए एक सुपर विजर्ड अभी बचा हुआ है, आर्चर पिन के साथ है वो, और दूसरी साइड पे हमारे बॉलर्स है और पैकर्स है और ये दोनों तरफ से अटैक हो रहा है और हमारा अटैक हो जाएगा 3 स्टार। बारबेरियन किंग भी पीछे बचा हुआ है,
आर्चर क्वीन है, उसकी एबिलिटी भी बाकी है और ये हीलर तो अपना काम करते हुए। ओ गाइस ये अटैक हो चुका है हमारा 3 स्टार। सुपर विजर्ड स्ट्रेटजीज जस्ट वाव। लेट्स सी अनदर अटैक सेम स्ट्रेटजी। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रो ड्रैगन यूज नहीं किया है और आप देख सकते बार्बेजन किंग और वो हीरोज मेरे 55 हो चुके क्योंकि मैं TH-12 हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी अटैक TH-11 के लिए ही है, आप यूज कर सकते हैं। सारे ट्रूप्स तो मेरे TH-11 लेवल के ही है, ये बेस थोड़ा अलग था तो मैं क्वीन वॉक से शुरू करूँगा। इलेक्ट्रो यहाँ पे हमने नहीं लिया है, उसकी जगह ले लिया है पैका, क्योंकि पैका ही हमारा हिट पॉइंट ज़्यादा है जो सुपर विजर्ड्स को प्रोटेक्ट करेंगी। वे क्लियर करने के लिए विजर्ड्स डाल दिए मैंने एक साइड पे। ये देखिए क्वीन सीधा सीधा अंदर जा रही है लॉग लॉन्चर के साथ। अब वे क्लियर हो चुका है तो हम सारे ट्रूप्स डाल देंगे, पैकास, बॉलर्स, वार्डन, विजर्ड्स, बार्बेरियन किंग भी बचा है उसको भी डाल देंगे। वार्डन एबिलिटी यूज करके ट्रूप्स प्रोटेक्ट करना है क्योंकि इलेक्ट्रो आ चुका है। और ये इनविजिबल स्पेल डाल दिया हमने, देखिए सुपर विजर्ड्स का जादू चेन मैजिक दिख रहा होगा आपको। इनविजिबल डालते रहिए, सुपर विजर्ड जलवा दिखाएंगे। जंप डाल दिया हमने, रेज भी डालिए सुपर विजर्ड्स के ऊपर तो आपको बहुत सारा जादू दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं सुपर विजर्ड्स पूरे बेस पे छा गए हैं, सारे बिल्डिंग्स को डैमेज देते हुए। सुपर विजर्ड्स हमारे अभी भी बचे हुए हैं। गाइज ये स्ट्रेटजी मैंने खुद इनोवेट करके बनाई है, आप इसे यूज करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ये जरूर आपको 3 स्टार दिला जाएगी। TH-11 के लिए स्ट्रेटजी बेस्ट होगी। और अब मैं हो चुका हूँ TH-12, लेकिन मेरे ट्रूप्स अभी TH-11 के ही है तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ये स्ट्रेटजी आपके लिए बिल्कुल काम करेगी। देख सकते हैं आप पैकास आर्चर क्वीन की एबिलिटी यूज कर ली हमने, पैका सारे बचे हुए 2-3 तो हमारा अटैक इजीली कर जाएंगे 3 स्टार। सुपर विजर्ड इस बार नहीं बच पाए लेकिन पैकास है हमारे तो हमारा अटैक इजीली हो जाएगा 3 स्टार। पर सुपर विजर्ड बहुत काम आते हैं, चलिए देखते हैं और एक लाइव अटैक। TH-11 मैक्स बेस है ये, लाइव अटैक में करके दिखाऊंगा। पैका और लॉग लॉन्चर हमने डाल दिया है, जो पहले स्टार्टिंग में हमें बताई थी वो यूज कर रहा हूँ मैं। 6 पैकास 6 बॉलर 6 विजर्ड्स 4 विचिस वे क्लियर करेगा हमारा पैका, और विजर्ड्स डाल दिए हमने पैका विचिस और विजर्ड्स, और ये हमारा वे क्लियर हो चुका है तो बाकी के ट्रूप डाल देंगे, सब अंदर जाएंगे सीधे। बार्बेजन किंग जाए, पैकास, विजर्ड्स, वार्डन सब सीधे सीधे अंदर जा रहे, देख सकते हैं आप। लॉग लॉन्चर खुल चुका है, इनविजिबल डाल दीजिए, सुपर विजर्ड्स को काम करने दीजिए रेज के साथ। देखिए इनविजिबल स्पेल पैकास पे भी जा रहा है और हम जंप स्पेल भी यूज करेंगे ताकि ट्रूप्स हमारे आगे जाए। पैकास आगे जा रहे हैं, वार्डन एबिलिटी यूज करके सुपर विजर्ड्स को प्रोटेक्ट कर लिया हमने तो वो इन्फर्नो भी डिस्ट्रॉय कर जाएंगे। हील और रेज डाल दिया है सुपर विजर्ड्स के ऊपर तो क्विकली अटैक कर देंगे। देखिए सुपर विजर्ड्स ऑन द वे, यो आर्चर भी हमारा इन्फर्नो ले जाएगी और हमारा अटैक हो जाएगा इजीली 3 स्टार, क्योंकि पैकास हमारे देख सकते हैं 4 पैकास दिख रहे होंगे। आर्चर क्वीन की एबिलिटी भी बाकी है अभी, विचिस भी है, पैकास पैकास के 8 पॉइंट्स मेन है यहाँ पे जो हमें इजीली 3 स्टार दिला जाएंगे। व्हाट एन ऑसम स्ट्रेटजी गाइस, इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको इजीली 3 स्टार दिला जाएगी ये। सुपर विजर्ड लालो, विजर्ड भी बोलते हैं इसे, मैंने खुद की ये स्ट्रेटजी बनाई है जो आपको बहुत काम आने वाली है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा ज़रूर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स गो फॉर अनदर अटैक। स्ट्रेटजी एकदम नई है, खुद बनाई है मैंने, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा ये। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। हर बेस पर मैं अटैक करके दिखाऊंगा। ये देखिए आप, TH-13 बेस है ये, इसकी कई सारी वॉल्स मैक्स है, आर्चर टावर भी मैक्स है। बार्बेरियन किंग और पैकर डाल दिया हमने, वो वे क्लियर करेंगे, विचिस डाल देंगे, लॉन्ग लॉन्चर फिर अपना पाथ क्लियर करेगा। गाइस वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो एंड तक देखिएगा, क्योंकि हर बेस पे मैं अलग अलग स्ट्रेटजी यूज़ करूँगा और थोड़ा सा पैटर्न बदल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप, बार्बेरियन किंग और पैका साथ में डाले थे, इसलिए आप एंड तक वीडियो देखिएगा तो ये स्ट्रेटजी आपको बहुत फ़ायदा देगी। वे क्लियर हो चुका है तो सारे ट्रूप्स डाल देंगे, पैकास बॉलर्स आर्चर क्वीन वार्डन सब अंदर जाएंगे। ये आप स्कैटर शॉट डिस्ट्रॉय हो चुका है, ऑल बिकॉज ऑफ लॉन्ग लॉन्चर। और ये लॉन्ग लॉन्चर खुल चुका है तो हमने वार्डन एबिलिटी यूज़ करके पहले सुपर विजार्ड्स को प्रोटेक्ट किया और उधर जंप डाल दिया है इनविजिबल डाल के। अब हमारे सुपर विजार्ड्स टाउन हॉल की तरफ बढ़ चुके हैं, देख सकते हैं आप, रेज भी डाल दिया है हमने उन पे। वे टू गो सुपर विजार्ड्स। ये देखिए चेन मैजिक, थोड़ा सा बच गया टाउन हॉल, लेकिन पैका ने हमारे डिस्ट्रॉय कर दिया टाउन हॉल को भी। सुपर विजार्ड्स नहीं बच पाए गीगा टेस्ला की वजह से, लेकिन हमारे पैकास पूरे सेफ है। एक सुपर विजार्ड दिखे बचा हुआ है, वाओ व्हाट एन अटैक। ये अटैक भी हमारा हो जाएगा 3 स्टार। सुपर विजार्ड्स आर लाइव। ओ सुपर विजार्ड्स नहीं बचा, लेकिन पैका है, जंप स्पेल भी यूज है तो इजीली हमारा अटैक हो जाएगा ये 3 स्टार TH-13 बेस पे। वाओ लेट अस सी अनदर अटैक। सेम स्ट्रेटजी, 6 पैकास 6 विजार्ड्स 6 बॉलर्स 4 विचेस और सीसी में हमारे मेन सुपर विजार्ड। लेट्स गो फॉर द अटैक गाइस। ये आप देख सकते हैं TH-11 बेस है, ये एक तरह का ट्रैप बेस है, एक्सबो इन्फर्नो इन्फर्नो। ये बेस पे अटैक करना बहुत ही मुश्किल होता है, फिर भी हम इस पे अटैक करके 3 स्टार लाने की कोशिश करेंगे। चलिए लेट्स अटैक। बार्बेरियन किंग और विचिस डाल दिए विच लॉन्ग लॉन्चर एंड विजर्ड्स, वे क्लियर करेंगे वो, फिर हम हमारे सारे ट्रूप डाल देंगे जो सीधा सीधा अंदर जाएंगे। एक पैका भी ले लिया हमने फनल क्रिएट करने के लिए। अगर आपको लॉन्ग लॉन्चर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप उसकी जगह वॉल रेकर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम डाल देंगे इनविजिबल। सुपर विजर्ड सब अंदर जा चुके हैं, सीसी में से ईडी निकला है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। सुपर विजर्ड्स मैजिक, चेन मैजिक, लेट्स गो। सुपर विजर्ड्स पे रेज और इनविजिबल डाल दिया कीजिए, वो आपको बहुत फायदा दे जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, सुपर विजर्ड्स मैजिक इज ऑन द वे। अंदर का पूरा बेस सिर्फ सुपर विजर्ड्स ने क्लियर करा हमारे, क्योंकि हमारे सारे रूम्स बाहर है। और ये जंप की वजह से सुपर विजर्ड्स बाहर भी आ चुके हैं। पैकास बॉलर सब हमारे सेफ है, वार्डन आर्चर क्वीन दोनों की एबिलिटी बाकी है, अभी वार्डन एबिलिटी भी बाकी है दोस्तों, और सुपर विजर्ड हमारा बचा हुआ है। वार्डन एबिलिटी हमने यूज कर ली क्योंकि इन्फर्नो बहुत ज़्यादा डैमेज दे सकता था। और ये हमारा लास्ट सुपर विजर्ड हो चुका है डिस्ट्रॉय, आर्चर क्वीन मास पैकास बचे हुए हमारे बॉलर्स भी है विजर्ड्स विचिस, तो हमारा अटैक इजीली कर जाएंगे 3 स्टार। सच एन अमेजिंग स्ट्रेटजी गाइस। देखिए 5 पैकास हमारे बचे हुए, 6 यूज किए थे हमने जिसमें से 5 अभी भी सेफ है। तो पैकास पे हमेशा भरोसा कीजिएगा, वो आपका अटैक इजीली 3 स्टार कर जाएंगे, कई बार सुपर विजर्ड भी बच जाएंगे तो वो तो आपको इजीली 3 स्टार दिला जाएंगे। सुपर विजर्ड्स को हमेशा पैकास के पीछे रखिएगा तो वो हमेशा सेफ रहेंगे।
नहीं भी हो तो हमारे पैकर्स तो है ही भरोसेमंद, जो हमारा अटैक कर देंगे 3 स्टार, जैसे आप देख सकते हैं। और एक अटैक हो चुका है हमारा 3 स्टार। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हम देखते हैं और एक लाइव अटैक गाइस। बार्बेरियन किंग हमने डाल दिया है, पैका डाल दिया है, लॉग लॉन्चर, वो फनल क्रिएट कर देंगे तो हमारे मैक्सिमम ट्रूप्स अंदर जाएंगे। फनल हो चुका है क्रिएट, तो क्वीन, वार्डन, पैकास, बॉलर सब डाल दीजिए, सब जाएंगे अंदर सीधा। और ये हम सीसी में से निकले आर्चर्स, हमने वार्डन एबिलिटी यूज करके ट्रूप्स को प्रोटेक्ट कर लिया, इन्फर्नो का डैमेज बढ़ रहा था। और ये हमारे सुपर विजर्ड निकल चुके, डाल दीजिए इनविजिबल, सुपर विजर्ड मैजिक ऑन द वे, इनविजिबल विथ रेज। अंदर का पूरा बेस हमारे सुपर विजर्ड डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, देख सकते हैं आप। और जंप हमने डाल दिया है, और एक लास्ट इनविजिबल हो जाता वो भी यूज कर लिया है। देखिए अंदर का पूरा बेस सुपर विजर्ड ले जा चुके हैं, और हमारे जो पैकर्स और बॉलर्स है वो बाहर की साइड है। सुपर विजर्ड्स नहीं बचे, लेकिन हमारे पैकर्स, आर्चर क्वीन, बॉलर्स बचे, जो हमारे अटैक को इजीली 3 स्टार कर जाएंगे। ओ एक सुपर वर्किंग स्ट्रेटजी है गाइस, यूज कीजिएगा, आपको भी बहुत मजा आएगा सुपर विजर्ड यूज करने में। लॉन्ग लॉन्चर की जगह आप वॉल रेकर भी ले सकते हैं अगर आप चाहे तो, लेकिन लॉन्ग लॉन्चर ही बेस्ट है क्योंकि वो 4-5 वॉल एक साथ तोड़ जाता है। और ये हमारा अटैक कर जाएंगे 3 स्टार। थ्री स्टार अटैक ब्लिजर्ड रॉक्स, मैंने खुद का बनाया वो ब्लिजर्ड अटैक है, ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय गाइस।